भी कहते थे ना माँ, मुझे अपने प्यार पर भरोसा रखना चाहिए, पर देखिए ना आज वही बात बिल्कुल ठीक निकली है। क्या? मैं इस वक्त जाऊंगी दिलन सके घर, वो भी आई लव यू कहने के लिए। तेरी लव स्टोरी को देख के हम सबको ये सबक मिल चुका है कि प्यार के बाद इजहार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, और तू ये अभी करेगी क्योंकि डिलन के घर हम अभी जा रहे हैं। ये देखो, ये हमारा फैमिली का ट्रेडिशनल कंगन है, हमारा सास ने हमको दिया और अब हम तुमको दे रहे हैं, पहनो। शमी, परफेक्ट। अब जाओ, जाके डिलन से अपना मन का बात कह दो, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, वो हॉल के पास में लेफ्ट वाला कमरा, जाओ जाओ। कितना टाइम लगाएगी ये? पता नहीं कुछ बोल भी पाई होगी या नहीं। मुझे तो लगता है डब्बूदी ने बोल दिया होगा डिलन सर को। अच्छा, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं अपनी शादी का मेन्यू तो नहीं डिसाइड कर रही बैठ के? चंडी, ये सुनसान सड़क देख के मुझे बहुत डर लग रहा है, और पता नहीं क्यों ऐसे ही टाइम पे मुझे सारी डरावनी मूवीज याद आ रही है। क्या इशू? ऐसे तो बहुत तू हॉकी चलाने वाली रफ तफ कुड़ी बनती है, और अभी तू अंधेरे से डर रही है। वो एक्चुअली कल ना मैंने वो सीरियल किलर वाली मूवी देखी थी, उसमें वो ऐसी सुनसान सड़क पे मासूम लड़कियों को ढूंढता हुआ, क्यों ढूंढता क्यों है, उनका मर्डर कर देता है। चंडी, यू माय गॉड, तुम लोग क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो, मुझे भी डरा रहे हो। ये ना है ही ऐसी पागल कहीं की, मूवीज में तो कुछ भी दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होते रियल लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शांत है ना। मैं हूं, मैं तुम यहां भी पहुंच गए? ले, यहां भी क्या पहुंच गए, यहीं तो रहता हूं मैं, चार कोटियां छटके। हेलो जी, हेलो जी। क्या हेलो जी? भाई गॉड, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। बिल्कुल। ओ सॉरी जी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको डराने का, वो मैं यहां से ना जा रहा था तो मैंने देखा अंकल जी की गड्डी यहां पर खड़ी हुई है, तो मुझे लगा इस वक्त यहाँ पर गड्डी क्या करेगी, तो मैं आ गया आपको पूछने के लिए। हेलो, हमारी गाड़ी है, कभी भी कहीं भी खड़ी हो सकती है, तुम क्या पैरोल ऑफिसर हो हमारे जो हर बात तुमको रिपोर्ट करेंगे? किसी बात कर रही है? अब दरअसल बात ये है ना कि हम लोग डब्बू का इंतजार कर रहे हैं, वो क्या है ना, वो डिलन उससे मिलने गई है। डिलन बाजी यहाँ पर आते हैं? कितने? उस घर में। अच्छा, ये कह रहे हो, ये तो बढ़िया गल होगी जी, हैं? हम तो पड़ोसी निकले, अब तो आना जाना लगा रहेगा जी। चिपकू कहीं का, अब डिलन सर से चिपक जाएगा। जी मैं एक गल कहवा, हुन तुसी वेट ही कर रहे हो तो यहाँ पर क्यों करनी है, वहाँ पर ना पास में ना कुल्फी वाला है, रेडी लगाता है, मैंगो कुल्फी खाने वाली है उसकी, एक एक कुल्फी हो जाए मैंगो। जी नहीं, थैंक यू, हम घर से जलेबी और रबड़ी खा के आए हैं। मैं तो खाऊंगी, मैंगो की सीजन में मैंगो कुल्फी नहीं खाया तो क्या खाया? और की? और क्या, मैं भी खाऊंगी। उनके पास केसर पिस्ता कुल्फी है क्या? जल्दी क्यों नहीं मिलती? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं खड़ी होकर डब्बू का वेट करूंगी। ओके जी ओके, तुसी ना एक काम करो, आप सब यहीं पे रहो, मैं कुल्फी लेके आया। दसो चंदी जी केड़ी कुल्फी खाओगे? कोई सी भी नहीं। ओहो, अब ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है, हम सारे कुल्फी खाएंगे और आपके खाली हाथ हमारा बूथा देखोगे आप, और कुल्फी को फिर नजर लग जाएगी और हमारा पेट खराब हो जाएगा सारे का। तो दसो चंदी जी केड़ी खाओगे? ओह गॉड, ठीक है, मलाई। ये कह रहे हो, मेरी भी वही फेवरेट है। वैसे हम ना पंजाबियों का टशन अलग ही होता है एकदम, मक्खन मलाई ना हमें पसंद ही बड़ी होती है। रुको मैं लेके आंदा। कुल्फी खाने दे तेरे को। क्या चंडी, अरे वो इतने प्यार से बोल रहे थे, लाने देना उसे।
करिए डब्बू, वहां आंटी के सामने तो सब कुछ पटर पटर बोलती है और यहाँ आंटी ने मुझे कितने अच्छे से ट्रीट किया, ये बैंगल्स भी दिए थे, मैं क्या कर रही हूँ? नो नो, आई हैव टू डू इट डब्बू, जस्ट डू इट। सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं ना, मैं तो सारी रात बस उन्हें सोते हुए ही देख सकती हूँ, कितने क्यूट हैं सर। What the hell, कौन है यहाँ? चोर चोर चोर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम यहां इस वक्त हो या मैं कोई सपना देख रहा हूं? समय मैं यहां हूं। अरे मैं सपना देख रहा हूं? नो सर, मैं सच में आपके घर आई हूँ। सी तुम ऐसे कपड़ों में अकेले में मेरे घर क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? बकरी हो क्या? डब्बू हो ना, तो बताओ क्या कर रही हो तुम इस वक्त मेरे घर में? So, I... मैं खत्म हो गया तो आया शुरू हो गई, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन? मेरी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कुछ समझते क्यों नहीं है? क्या समझना क्या है मुझे इसमें? एनीथिंग स्पेशल? तुम इस तरह मेकअप होकर आई हो, साड़ी पहन कर आई हो, बाल बाल बना कर आई हो, मेकअप भी किया तुमने थोड़ा सा, इतनी रात को मेरे कमरे में अकेले, क्या इसमें कुछ खास बात थोड़ी ना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, तुम क्या बोल रही हो? अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है ना सर, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए, क्योंकि ये बात मैं पहले नहीं बोलूंगी। मेरी समझ में आ गया। Really? ठीक है तो? 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 तो क्या? तो अगर आपके समझ में आ गया है तो फिर आप आई लव यू क्यों नहीं बोल रहे हैं? कह दिया वो भी पहले, क्या किया टप्पू? कौन है वो? वो है क्या? किससे बात कर रही हो? मिस देवजानी ठाकुर उर्फ डब्बू उर्फ मिस मोर्चा, आई लव यू टू। Really, really love you. बहुत प्यार करता हूं तुमसे, हमेशा से किया और हमेशा करता रहूंगा मरते दम तक।
तो मैंने ये बोला कि जो ये हमारा टूथब्रश होता है ना, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं निकलती। ये जब घिस पिट भी जाता है ना, खराब भी होता है ना, तो भी हम उसकी मुंडी तोड़ के ना पजामे में नाड़े डाल देते होते हैं। क्यों है जी, तुहानू हंसी नहीं आई? जी नहीं, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आप निकले तो थे सैर करने, पर पिछले 3 घंटे से आप हमारे साथ यहाँ खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं। जी वधिया है ना, अब देखो घूम फिर के तो सारे सेहत बना ही लेते हैं, और कभी कभी हमें ना गप्पे शप्पे मार के भी सेहत बनानी चाहिए। कितना मजा आ रहा है देखो, लवली लवली लोगों के साथ लवली लवली आइसक्रीम। और की चाहिए लाइफ? हाँ जी, हमें भी आपकी कंपनी बड़ी लवली लग रही है। थैंक यू। हेलो, हम लोग ऑलरेडी 2-2 आइसक्रीम खा चुके हैं यहाँ खड़े होके, अब कोई ये भी सोचेगा कि डब्बू नीचे भी आएगी या नहीं। वो आ गए डब्बू। अरे डब्बू, क्या क्या हुआ? तूने से लव यू बोला और उसने लव यू टू बोला ना? मैं कसम खा के कह रही हूँ, अगर अभी भी मुझे ये सुनने को मिला ना कि तुम दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया, तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी यार। ये कौन सी बात हुई है? इनके चेहरे पे देखो, स्माइल देखते ही लग रहा है कि सब कुछ हो गया है। दोनों ने एक दूसरे को लवी शवी बोल दिया, वो पूरी सेटिंग हो गई है जी। मैंने जो लेंसो को अपने दिल की बात बता दी और उन्होंने भी मुझसे कहा कि वो भी मुझसे प्यार करते। Oh God. So happy, Nupu. Thank you. जी मुबारका। Thank you. तुम सबको पता है मैं जाने से पहले इतनी एक्साइटेड थी, पर वहां जाके पूरी फुस हो गई। वो क्यों? अरे डिलन सर के बेडरूम में ना जूलियट आंटी सो रही थी और मैंने बिना देखे उनके सामने सब कुछ बोल दिया। But you know what? Surprise! ये देखो, उन्होंने मुझे कंगन दिए। हाय, दिखा दिखा। अरे वाह डब्बू, तू तो देवजानी ठाकुर से देवजानी शेखावत हो गई। मतलब ये गई थी डिलन के हाथ सुनने और उसकी मम्मी के भी हाथ सुन के आ गई। जी अब तो बात 100% पक्की हो गई, फाइनल एकदम। अच्छा अब जल्दी चलो, इससे पहले कि पापा मम्मी जगे ना, हमें घर पहुंच जाना चाहिए, वरना बहुत हंगामा होगा। करेक्ट, चलो। आपको कहीं ड्रॉप कर दें हम लोग? नहीं नहीं जी, मैं तो इतना ही रहता, नाइट वॉक करने आया था, मॉर्निंग वॉक करते हुए चला जाऊंगा। उसी ना टाइम पे जाओ घर, है ना? छेती करो जी, छेती। तुसी जाओ। ओके जी, बाय बाय। चल 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 चल। मैया, हमारी गुलाब के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर देना। ऐसी लड़की जो सास का कहना माने। अरे हमारी सेवा करे, ऐसी लड़की ढूंढ के देना तुलसी मैं। अरे इतनी सुबह सुबह जेठी की खाड़ी। हाय, सब ठीक तो है? चल जा चंडी, गेट खोल दे। अरे गाड़ी अंदर लेके मत जाओ, अगर अभी गाड़ी अंदर लेके जाओगे ना तो पापा मम्मी आवाज सुन के उठ जाएंगे और फिर कोर्ट मार्शल। इसको बिना पूछे बाहर गए, ऊपर से पापा की कार लेके। ओफो बाय गॉड, अब क्या करें फिर? आप ना न्यूट्रल पे कार को रखो और स्टीयरिंग हैंडल करो, हम सब धक्का लगाते हैं। जिस वक्त लोग सवेरे सवेरे सैर के लिए घर से बाहर जाते हैं, ये लड़कियां इस वक्त घर के अंदर दाखिल कर रही और तो अपने ही घर में चोरों की तरह दाखिल हो रही है। शिकायत करनी पड़ेगी जेजी को और हमारी प्यारी फौजी को।
अरे मेरी माँ, डब्बू जल्दी बाहर निकल यार, मुझे उसमें सतरंगी मैंडी के घर जाना है एक घंटे में, उसकी शादी के कॉस्ट्यूम्स के रफ स्केचेस के साथ। रहने दे चंडी, अभी तो डब्बू के मन में उसकी शादी के फाइनल स्केचेस चल रहे होंगे। डन डन डन, आई एम डन, जा। ना टाइम लगाती है यार। बिन्नी दी, ईशु, अच्छा हुआ ना कि कल रात मम्मी पापा उठे नहीं, वरना कितने परेशान हो जाते ना दोनों। अब नीचे जाके दोनों को सब कुछ सच सच बता देते हैं और सॉरी भी मांग लेंगे, है ना? सर, तुम दोनों सुबह सुबह हमको बिना बताए चला गया? मॉम, आप सो रही थी और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। जब मैं सुबह भाई के कमरे में गया तो वहाँ वो ठीक नहीं लग रहे थे। सन, ट्रस्ट मी ना, इस रिहैब सेंटर से उन्हें बहुत फर्क मिलेगा। अरे लेकिन सन, तुम हमको बताता तो हम भी तुम्हारे साथ चलता था ना। वहाँ सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर अलाउड है और इस वक्त मेरा वहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन सन, तुम मॉम, यू ट्रस्ट मी ना, तुम पे तो पूरा भरोसा है सन। अच्छा, वहां से फोन करते रहना। हाँ, ऑफ कोर्स फोन करूंगा मॉम, और सिर्फ 4 दिन की तो बात है, 4 दिन में वी विल बी बैक। 4 दिन कैसे गुजरेगा हमको पता है। अच्छा सुनो, तुमने दिव्यानी को बताया कि तुम 4 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन है? वहां पहुंचने के साथ मैं उसे फोन कर दूंगा। यू डोंट वरी, बाय मॉम एंड लव यू। ठीक है, टेक केयर सन। मां, नाश्ता लाओ जल्दी। अरे हाँ, मैं तो कब से राह देख रही थी, बड़ी देर लगा दी आज सबने। पता है पापा चले भी गए, उन्होंने कहा है कि तू ऑफिस में डायरेक्टली पहुंच जाए। हाँ माँ, जल्दी नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, आज तो तुम लोगों के लिए स्पेशल ट्रीट है। पूछो किससे। किससे? अरे मैं लाई हूँ सरप्राइज। भूदेवी चाची की स्पेशल आलू पूरी, कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? आए हाय, हमारी भतीजियों के लिए नाश्ता बनाया है तो उसके लिए हम खास दिन का इंतजार काहे करें? और जबकि हमारी सारी भतीजियां इतनी मेहनत जो करती है, और मेहनत भी किस तरह की, सारी सारी रात जागती है बिचारी। आती कि सारी रात जागने के बाद आप सब सवेरे सवेरे इतने फ्रेश फ्रूस कैसे दिख सकते हो? हाँ जी, माफ कीजिएगा, हाँ, लेकिन हम तो गेट जी को बता बता कर थक गए कि देखो बेटियों के बाप है, जरा सोच समझ कर चला करे। लेकिन नहीं, अरे उनको तो हमारी कोनो बात समझ में ही नहीं आती। लेकिन भौजी, आप तो है ना एकदम साफ साफ सुन लो जी। हाँ, वो तो अच्छा है कि हम सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, तुलसी मैया पे पानी चढ़ाते हैं, हमारे गुलाब के लिए अच्छी दुल्हन की कामना करते हैं, इसलिए हमारी नजर पड़ गई, वरना सबके आने जाने की खबर हमसे अच्छा तो कोई रख ही नहीं सकता। लगता है भूदेवी चाची को सब कुछ पता है, वो माँ को सब बता देंगी। अरे बाबा, ये क्या पुराण पढ़ रही हो, साफ साफ बोलो ना बात क्या है। हे भौजी, साफ साफ देखा है तो साफ साफ कहेंगे ना। हाँ, वो क्या है ना, सुबह 4:30 की बात है, हमने हमारी आंखों से देखा कि वहाँ पे अरे पानी पूरी पल गया। ऊपर देख, ऊपर देख, पानी पानी नहीं, भूदेवी पानी लेकर आना जल्दी। हाँ अभी लाए, ऊपर ऊपर देख। हाँ मामा, 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 मुझे कुछ नहीं हुआ है, भूदेवी चाची को जल्दी से भगाओ, हम सबको आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये लो पानी, पानी पी, पानी पी। अब चलो चलो चलो, डब्बू को आराम करने दो, उसको शायद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हम शाम को बात करते हैं आराम से बैठकर। हाँ भूदेवी, ठीक है, शाम को ही सही। डब्बू, अपना ख्याल रखना। हो माम,
रियली सॉरी, एक्चुअली वो हम सब ना रात में घर से बाहर चले गए थे और इसलिए ये बात हम आपको बताना चाहते थे एंड वी ऑल वेरी सॉरी अबाउट इट। रात में तुम लोग बाहर गई थी? कहाँ, क्यों, क्या इमरजेंसी थी? हाँ वो एक्चुअली हम लोग ना सोनू बोनू मुझे तुम्हारी बात सुननी है पर पहले मैं जरा बोनू को देख लू। क्या हुआ माँ? इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे हाँ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ चल चलते। नहीं माँ मैं जाती हूँ, वापसी में जब इसे छोड़ूंगी तो तब तो आप ही संभालेंगे ना इसे। बेटा माँ दो मिनट में आपकी डॉक्टर वाली फाइल लेकर आती है। तब तक आप यहाँ पे बैठ जाओ। अच्छा बेटा बैठ। ईशु तू ना मोनू को छुड़वा देना। हाँ स्कूल। क्या बोल रही थी तुम? रात को कहीं बाहर गई थी?